Welcome to my channel. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल ई एजुकेशन बाय सोबित। यहाँ पे डेली का डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस को कवर करते हैं, साथ में स्टैटिक पोर्शन भी और प्रीवियस डे के करंट अफेयर क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं। आज के रिवीजन क्वेश्चंस सबसे पहले करेंगे जो कि है 23 मार्च के, और उसके बाद में फिर हम लोग आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं सभी से बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसा लगा है, और कुछ सजेशंस हो तो वो भी आप वहाँ पर दे सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन वाज वर्ल्ड पोएट्री डे हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। वर्ल्ड पोएट्री डे कब होता है? मार्च 21। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इन विच कंट्री आर द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड्स। किस कंट्री में सबसे ज्यादा डेंजरस रोड्स हैं? साउथ अफ्रीका में। हु हैज बीन इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ नेशनल सेल्फ सर्विस एसोसिएशन RSS का? किसे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो है दात्याराव होसबले। और हु हैज बीन एमर्ज एज अ मॉडल स्टेट फॉर जनधन विकास योजना? किसको बना दिया है? यह है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिया हैज लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव विद विच कंट्री? किस कंट्री के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनिशिएट किया है? वो है अमेरिका। According to report, by what percent has the digital transaction of SBI increased? SBI का digital transaction कितना percent बढ़ा है? वो है 7%. According to the report, which is the only Asian currency strength? क्या है? किस Asian country का जो currency है वो मजबूत हुआ है? वो है रुपी, मतलब अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेट है अनाउंस एन एडिशनल सैलरी ऑफ 1 month फॉर हेल्थ वर्कर? किस स्टेट ने अनाउंस किया है? झारखंड ने किया है। जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको 1 month सैलरी क्या है, एक्स्ट्रा दी जाएगी। हु हैज लॉन्च द वॉइस चैट 2.0 फीचर? तो ये है टेलीग्राम मैसेंजर। विच स्टेट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ समर कैंप? तो ये है झारखंड। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये रहे हमारे क्या है कुछ कल के क्वेश्चंस, और अब आते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस पे। मैं डेली 10 क्वेश्चंस ही इंक्लूड करता हूँ, और साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस से रिलेटेड जो भी स्टैटिक पोर्शन बनता है उसको कवर करता हूँ। तो आई होप आप लोगों को पसंद आता होगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्चेस कैच द रेन कैंपेन? किसने कैच द रेन कैंपेन को लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह, रमेश पोखरियाल, नरेंद्र मोदी या नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर इसका बन जाता है मिस्टर नरेंद्र मोदी। अगर इस कैंपेन के बारे में बात करें तो इन्होंने लॉन्च किया है, प्राइम मिनिस्टर ने, जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन ऑन मार्च 22 ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? 22 मार्च को होता है। उसी दिन इस कैंपेन को भी लॉन्च किया गया है। पीएम अर्ज दैट एवरी पेनी ऑफ मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, फंड्स बी स्पेंड ऑन रेन वाटर कंजर्वेशन टिल द मानसून अराइव्स। मनरेगा में क्या होता है, मनरेगा में तालाब्स, गांव में तालाब्स खोदे जाते हैं, तो उसी में बोला है कि जब तक नेक्स्ट मानसून नहीं आता है तो हम इन्हीं सब चीज़ों पे अपना जो फंड है मनरेगा का स्पेंड करेंगे। द
कैच द रेन कैंपेन विल बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री इन द बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। शहर और गांव दोनों जगह पे ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 22 मार्च 2022 टू नवंबर 30 तक मानसून पीरियड है, तब तक ये कंट्री में चलाया जाएगा। द मेन एम ऑफ कैंपेन इज टू टेक वाटर कंजर्वेशन एट द ग्रास रूट लेवल थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड अर्ज स्टेक होल्डर टू क्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सुटेबल टू द क्लाइमेट कंडीशन एंड सब सॉइल स्ट्रेटा टू इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। अभी क्या होता है, रेन वाटर काफी हम लोगों का खराब हो जाता है और जिससे काफी आगे चल के प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन जब हम लोग स्टोर करेंगे प्रॉपर, उसका प्रॉपर यूज करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट, हु हैज टेकन द चार्ज ऑफ MEA स्पोक्सपर्सन। तो राइट आंसर इसका बन जाता है अरिंदम बागची। अगर इसके बारे में बात करें तो अरिंदम बागची जी जो है ये IFS ऑफिसर है 1995 बैच के, और इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का के स्पोक्सपर्सन बनाए गए हैं। इन्होंने इनसे पहले जो 1990 बैच के IFS ऑफिसर थे अनुराग श्रीवास्तव, उसको उनको क्या है किया है, रिप्लेस किया है। बिफोर दिस बागची वाज सर्विंग एज जॉइंट सेक्रेटरी नॉर्थ एट द MEA हेडक्वार्टर। इससे पहले जॉइंट सेक्रेटरी थे इसी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और उससे पहले और इन्होंने इंडियन IFS ऑफिसर फ्रॉम 1995 बैच। इससे पहले ये इंडियन एम्बेसडर टू क्रोशिया थे फ्रॉम नवंबर 18 टू जून 2020, उससे पहले इंडियाज डिप्टी हाई कमिश्नर टू श्रीलंका भी ये रह चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली हु ऑन विच बैंक RBI इम्पोजेस ₹15 लाख पेनल्टी। किस बैंक पे लगाया है, फेड बैंक, SBI, यूनियन बैंक, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका बन जाता है फेड बैंक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹15 लाख ऑन फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ये कहाँ पे है, मुंबई में है। द पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड फॉर नॉन कंप्लियंस विद सर्टेन प्रोविजन ऑफ डायरेक्शन इशूड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंटेन्ड इन मॉनिटरिंग ऑफ फ्रॉड्स इन NBFCs। जो RBI ने डायरेक्शंस दिए इसको, उसको फेड बैंक ने फुलफिल नहीं किया है, इसलिए इस पे क्या किया गया है, पेनल्टी लगाई गई है ₹15 लाख की। द सेचुरेटरी इंस्पेक्शन ऑफ द कंपनी विल रेफरेंस टू इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एज मार्च 31, 2019 रिवील्ड इंटर एलिया नॉन कंप्लियंस विद द डायरेक्शन इशूड बाई इट। द इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ क्वाइना सहकारी बैंक बेस्ड ऑन इट्स फाइनेंशियल पोजिशन एज ऑफ मार्च 31, 2019 रिवील्ड दैट इट हैज एक्सीडेड द प्रूडेंशियल इंटर बैंकिंग एक्सपोजर लिमिट। जो भी बैंक की लिमिट होती है उसने क्या कर दिया है, फेड बैंक ने क्रॉस कर दिया है, इसलिए इस पे क्या किया गया है, पेनल्टी इम्पोज की गई है और लगाई गई है RBI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंट्री हैज वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म फोर्स। तो राइट आंसर इसका बन जाता है चाइना। अगर USA की बात करें तो ये सेकेंड है, और इंडिया की बात करें तो ये फोर्थ है। चाइना हैज स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड वाइल इंडिया स्टैंड्स एट नंबर 4 अकॉर्डिंग टू स्टडी रिलीज्ड बाय डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट। किसने दिया है ये, डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट ने। चाइना हैज स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड स्कोरिंग 82 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स इन द इंडेक्स। और USA की बात करें तो डिस्पाइट देयर न्यूमरस मिलिट्री बजट्स कम्स इन सेकेंड प्लेस विथ 74 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स, USA को कितने पॉइंट्स मिले हैं, 74 पॉइंट्स मिले हैं, और रशिया को 69 पॉइंट, और इंडिया को मिले हैं 61 पॉइंट, एंड द फ्रांस विद द 58 पॉइंट्स।
आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया की रैंक क्या रही है मिलिट्री इंडेक्स में और टॉप किसने किया है, बाकी इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। द यूके जस्ट अबाउट मेक द टॉप 10 कमिंग इन 9th प्लेस विद द स्कोर ऑफ 43। द स्टडी सेट द अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स वाज कैलकुलेटेड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग बजट। जो ये अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है वो बताया गया है। उसमें बजट रहता है, नंबर ऑफ इनएक्टिव एंड एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स, कितने ऑफिसर्स हैं उसमें वर्क कर रहे हैं, कितने एक्टिव हैं कितने इनएक्टिव हैं, टोटल एयर सी लैंड एंड न्यूक्लियर रिसोर्सेज उसके पास कितने हैं, एवरेज सैलरीज क्या है सबकी, और वेट ऑफ इक्विपमेंट्स और कितना इक्विपमेंट्स उनके पास है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये चीज। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली नोजोमी ओकुहारा बैक्स वुमेन्स सिंगल टाइटल एट ऑल इंडिया ऑल इंग्लैंड ओपन, शी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, किस स्पोर्ट्स के लिए खेलती है। तो ये टेनिस है, बैडमिंटन है, हॉकी है, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका बन जाता है बैडमिंटन। जब ये जापान की है, इन्होंने ही ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है और हराया है पोर्नपावे चोचू वांग को 21-12 21-16 से इन्होंने क्या किया है हराया। और अगर मेंस की बात करें तो मलेशिया के जी ली जी जिया ने जीता है इसको और हराया है डेनमार्क के विक्टर एक्सेल सेन को। विद दिस विन मलेशियाज टाइटल ड्रॉ कम टू एन एंड एंड इट्स आफ्टर 4 ईयर दैट समवन फ्रॉम द कंट्री हैज मैनेज टू विन द ऑल इंग्लैंड ओपन। ली चोंग वी हैड लास्ट वोन द ऑल इंडिया फ्रॉम मलेशिया इन 2017। मलेशिया से ये 4 साल के बाद हुआ है जो ली जी जिया ने जीता है, उससे पहले 2017 में ऑल इंग्लैंड ओपन को मलेशिया ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन विच डे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऑब्जर्व ग्लोबली, 23rd मार्च, 21 मार्च, 2 फरवरी, 5 मार्च। तो राइट आंसर इसका बन जाता है 23rd मार्च। अगर इसके बारे में बात करें तो द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23rd मार्च टू कॉमरेट द डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन 23rd मार्च 1950। इसको बनाया गया था 1950 में, 23rd मार्च, इसीलिए मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है आज के दिन 23rd मार्च के दिन। द डे ऑल्सो हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन दैट द नेशनल मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज मेक टू द सेफ्टी एंड वेल बींग ऑफ सोसाइटी। द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इसका इस बार की थीम क्या रही है, द ओशियन अवर क्लाइमेट एंड वेदर इस बार की थीम रही है। इसने सेलिब्रेट WMO's फोकस ऑन कनेक्टिंग द ओशियन क्लाइमेट एंड वेदर विद इन द अर्थ सिस्टम काफी। इट ऑल्सो मेक्स द स्टार्टिंग ईयर ऑफ यूनाइटेड नेशन डिके ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021 टू 2030 तक। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है पेट्री तलास है, हेड जो है इनके वो है पेट्री तलास, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके मेंबर कंट्रीज जो है 191 है, मेंबर स्टेट्स और टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु लॉन्चेस द सर्टिफिकेट ई टेंडरिंग पोर्टल प्राणित, तो पावर ग्रिड, HAL, BECL या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका बन जाता है पावर ग्रिड। अगर इसके बारे में बात करें, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च एन ई टेंडरिंग पोर्टल कॉल्ड प्रणीत टू मेक द टेंडरिंग प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट। अभी टेंडर जो पास होता है तो उसमें काफी दिक्कतें आती हैं और लोग उसमें गलत फायदा भी उठा लेते हैं, तो इसीलिए अगर ऑनलाइन होगा तो मोर ट्रांसपेरेंट रहेगा। द पोर्टल परनित विल इन्वॉल्व लेस पेपर वर्क एंड अलाउ ईज ऑफ ऑपरेशन।
विच इन टर्न विल मेक द टेंडरिंग प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट। द पोर्टल हैज बीन सर्टिफाइड बाय स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेट डायरेक्टोरेट STQC ने इसको क्या किया है, सर्टिफाई किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पावर ग्रिड ऑल्सो ओनली ऑर्गेनाइजेशन इंडिया टू हैव एन ई प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन ऑन SAP सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट SRM कंप्लाइंग विद ऑल एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू द सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एज स्टिपुलेटेड बाई STQC। जो भी सिक्योरिटी रिक्वायर होती हैं ट्रांसपेरेंसी वेबसाइट को लेके, वो सारी इसने STQC ने चेक की हैं, तभी इसने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है। पावर ग्रिड के बारे में बात करें तो इसको बनाया गया था 23 अक्टूबर 1989 में। हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव है और चेयरपर्सन है श्री के श्रीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु विन गोल्ड इन पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021? सिंगराज, जसपाल राणा, सौरभ चौधरी, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका बन जाता है सिंगराज। इंडियन पैरा एथलीट सिंगराज वोन द गोल्ड मेडल इन 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप एट अल एन इन द UAE। कहाँ हुआ था? अल एन में, UAE के अल एन में। ही डिफीटेड उज्बेकिस्तान सर्वर इब्रागिमोव टू गेट द टॉप ऑनर ऑफ द P1 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल। किसको हराया है? उज्बेकिस्तान के सर्वर इब्रागिमोव को हराया है। और सिंगराज पाइप्ड रियो 2016 ब्रॉन्ज मेडल इब्रागिमोव बाई थिन मार्जिन ऑफ 2.8 पॉइंट्स। जो रियो ओलंपिक्स हुए थे 2016 में, तो इब्रागिमोव ने 2.8 पॉइंट से ही इसको हराया था। द फाइनल स्कोर रीड 236.8 234। टर्की फॉर्मर पैरा ओलंपियन चैंपियन मुहर्रम कुरान यामक took the bronze with 214 point. With this, India has moved the third place in the medal table. अब इंडिया के पास 1 gold और 1 bronze medal है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जैसे जैसे इसमें और भी होते रहेंगे आप लोगों को मैं बताता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली हु इनॉग्रेट शहीद भगत सिंह स्मारक इन न्यू दिल्ली? किसने शहीद भगत सिंह स्मारक बनाया है, इस इनॉग्रेट किया है? तो राइट आंसर इसका बन जाता है रमेश पोखरियाल। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री रमेश पोखरियाल निशांक वर्चुअली इनॉग्रेट द शहीद भगत सिंह स्मारक इन न्यू दिल्ली ऑन मार्च 23। द इनॉग्रेशन टुक प्लेस ऑन द ओकेजन ऑफ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाई द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑन शहीद दिवस। शहीद दिवस के दिन पे जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, वहीं पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशांक जी, उन्होंने ही इनॉग्रेट किया है इसको। टू पे होमेज एंड कॉमरेड 90 ईयर्स ऑफ जो भगत सिंह, सुखदेव और शिवराम राजगुरु जी को फांसी दी गई थी, तब से लेके आज 90 ईयर्स हो गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु डिमॉन्स्ट्रेट इंडिया फर्स्ट फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन? किसने किया है? HAL, इसरो, नासा या नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर इसका बन जाता है इसरो। अगर इसकी बात करें तो इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर विद सेवरल टेक्नोलॉजी डेवलप्ड विद इन द कंट्री। द डिमॉन्स्ट्रेशन इंक्लूड्स लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूजिंग क्वांटम की इंक्रिप्शन सिग्नल एट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद बिटवीन टू लाइन ऑफ साइट बिल्डिंग विद इन द कैंपस। इसमें क्या होता है, जो लाइट के थ्रू ही इंक्रिप्ट करके इसमें सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं। ये काफ़ी सिक्योर है, इसको हैक करना इतना इजी नहीं रहेगा, इसीलिए
ये काफी यूजफुल आने वाला है आने वाले दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, द एक्सपेरिमेंट वॉज डन एट नाइट टू इंश्योर दैट देयर इज नो इंटरफेरेंस फॉर द डायरेक्ट सनलाइट। दिस इज अ मेजर माइलस्टोन अचीवमेंट ऑफ अनकंडीशनली सिक्योर सेटेलाइट डेटा कम्युनिकेशन यूजिंग क्वांटम टेक्नोलॉजीज। इसको रात में इसीलिए किया है क्योंकि लाइट के थ्रू ही डेटा हमारा ट्रांसफर होगा, तो अगर दिन में करते तो सनलाइट इसमें क्या कर सकती थी, इंटरफेयर कर सकती थी, इसीलिए इन्होंने रात में किया है। इसरो के बारे में बात करें तो 15 अगस्त 1969 को बनाया गया था, और इसको बनाया था साराभाई ने, और चेयरमैन इस टाइम पे है के सिवान, हेडक्वार्टर इसका कर्नाटका है। तो अगर कर्नाटका के बारे में बात करें तो बेंगलुरु इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। सीएम यहाँ के वीएस येदुरप्पा है, गवर्नर वाजुभाई वाला है। डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे 31 है, लोकसभा सीट्स 28 है, राज्यसभा सीट 12 है। एरिया, यहाँ एरिया वाइज अगर कर्नाटका की बात करें तो 6 नंबर पे आता है। और चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट कौन है, अभय श्रीनिवास हो। डांस फॉर्म की बात करें तो कोलाता और डोलू कुनीथा यहाँ पे फेमस डांस फॉर्म्स है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पे है, बेंगलोर में है। अगर नेशनल पार्क्स की बात करें तो अंसी, बंदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। लेक्स की बात करें तो बेलंदूर, उलसूर और आगरा यहाँ पे क्या है, लेक्स हैं। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल का नाम है ई एजुकेशन बाई शोभित, इसको आप डाल के देखिए और एंजॉय कीजिए। आई होप आप लोगों को समझ आया। कल मिलते हैं इसी टाइम पे। गुड नाइट।